असल में बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सियासी ही होता है, और वहाँ के स्टूडेंट्स को कह रहा है कि भी हम आप लोगों को एक रूम देंगे और रूम में अपने आप को एडजस्ट करो पढ़ो। तो कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने उनको लेटर भेजा था डीसी को कि भी ये जो बिल्डिंग है ये लाइब्रेरी का है, ये बिल्डिंग जो था लाइब्रेरी पे बना हुआ था, डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन का बिल्डिंग है उसके वाले से अलग फंड होते हैं, अलग फंड आते हैं, मगर इन लोगों ने उन फंड को खाया। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो नौजवानों का था वो तो पहले से पिसा हुआ तबका है, उसी को उन लोगों ने हड़प लिया। बलूचिस्तान जो है कमीर तरीन जोग्राफी हवाले से अहम और स्ट्रेटजिक अहमियत रखता है, वो मसाइल का गढ़ बन चुका है जहाँ बुनियादी इंसानी सहूलियात नापीद हैं। पीने के साफ पानी से लेकर तालीम और सेहत जैसी सहूलियात यहाँ के बाशिंदों के लिए एक ख्वाब बन के रह गए हैं। सो अभी सूबाई हुकूमत और अपोजिशन समेत आलमी साम्राज्य कंपनियाँ और वफाक दोनों हाथों से बेरहम लूट मार में लगे हुए हैं, जबकि मकामी लोग नान शुबीना के मोहताज हैं। मगर दिल को रों या जगर को पीटूँ कि मुसद्दा कोई अपनी फरियाद लेकर तो जाए तो कहाँ जाए। कुबलू जो एक पसमानदा तरीन इलाका है जहाँ ना सिर्फ सेहत की सहूलियात हैं ना तालीम के, पूरे अजला में एक तालीमी इदारा मौजूद नहीं रखता जहाँ गरीब के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। कुबलू जो एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल इलाका है जहाँ मावान, कहान, पुसडी, जन्नत अली शामिल हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आबाद हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ इन इलाका जात में बुनियादी तालीम से लेकर आला तालीम के सहूलियात ना होने के बराबर हैं। सैकड़ों गोश्त स्कूलें सरकारी कागजों पर चल रही हैं, लेकिन इन इलाकों के बच्चे बच्चियाँ स्कूल और दीगर सहूलियात ना होने की वजह से तालीम से महरूम हैं, और बेशतर बच्चे अपनी बचपन ही से मजदूरी और दीगर पेशों से मुंसलिक हो जाते हैं। इसके अलावा खुशकिस्मती से अगर कोई तालिबे मैट्रिक तक तालीम हासिल कर भी लेता है तो इंटरमीडिएट के लिए कुल्लू शहर की जानब से डिग्री कॉलेज फाल ना होने की वजह से तालीम यहाँ से तर्क कर देते हैं। इसके अलावा तालबात के लिए पूरे खत्ते में वमेन कॉलेज के सारे से वजूद नहीं रखते ही। मगर जब पिछले सालों लाइब्रेरी का ऐलान हुआ तो वहाँ के इल्म दोस्तों को ये खुशी महसूस हुई कि कम अज़ कम ऐसी जगह तामीर हो रही है जहाँ सुकून से तलबा बैठ कर पढ़ सकेंगे। मगर शायद आप हजरात को मीडिया के तवसत से मालूम हुआ है कि इस लाइब्रेरी को इल्म दुश्मन अनासर ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का दफ्तर बनाया हुआ है जो कानून के खिलाफ वर्जी है। ये लाइब्रेरी कल्चरल डिपार्टमेंट की मिल्कियत है जिन्होंने कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर के तहरीर सूरत में हुक्मनामा जारी किया कि लाइब्रेरी को कब्जा गुरू से वाफगुजार करके कल्चरल डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। मगर डिप्टी कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर ने भी एक जिम्मेदार हुकूमती अदारे के हुक्मनामे को हवा में उछाल कर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हवाले कर दिया, जो एक बहुत ही शर्मनाक अमल है। मौजे साफ़ी हजरात, इस कब्जा गुरु के ख़िलाफ़ जहाँ वहाँ के तालब इलमों ने एहतजाज तरीक़ाकार समेत जले जिम्मेदारों को हर तरह से गोश गुजार करके उनको खुलवाने की कोशिश की, मगर अभी तक लाइब्रेरी कब्जे ग्रुप का दफ्तर बना हुआ है। बहैसियत तलबा तंजीम बलूचिस्तान के तालीमी मसाइल समेत लाइब्रेरी कैंपेन हमारे तंजीम के पॉलिसियों का अहम हिस्सा है, और हम बहैसियत इदारा कुल्लू पब्लिक लाइब्रेरी के कब्जे के शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि इसके तमाम इल्म दुश्मन अमाल के ख़िलाफ़ सियासी मज़ाहमत तरीक़ाकार पर यकीन रखते हुए अगर लाइब्रेरी को जल्द अज जल्द पाल नहीं किया गया तो तंजीम एहतजाज का अमल महफूज रखती है। आखिर में कुल्लू के अवाम बाशूर अवाम से अपील करते हैं कि वो मीर मिट्टा खान, सूरत खान मरी, शीर मोहम्मद मरी जैसे अकाबरीन के इल्म दोस्ती और दानश्वराना हैसियत को अपने के लिए मशाल राह बनाकर इल्म दुश्मन अनासर और कब्जा गुरु के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और अपनी नस्लों की तरक्की और इल्मी राह पर रिकॉर्ड बनने के खिलाफ सख्त सियासी मज़ाहमत करें। हम बेसी तलबा तंजीम के नुमाइंदे हम तो अपने नौजवान और अवाम को इस शौर को पहुँचा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लूटमार हो रही है, और इसके वाले से जितने भी पार्टियाँ बने, जितने भी पार्लियामानी पार्टियाँ दूसरे पार्टी बने, इनके वाले से कोशिशें तो कर रहे हैं मगर वो दिखने में नाकाम दिखाई रहे हैं। मगर हम बतौर तलबा तंजीम इस हवाले से अवाम तक और नौजवानों तक यह आगाही तो पहुँचा रहे हैं कि ये या बलूचिस्तान में कितने हद तक लूटमारी हो रही है और कौन कौन कर रहा है। असल में ये जो बिल्डिंग था इसको अप्रूवल मिला था कल्चरल डिपार्टमेंट के वाले से कि ये जो बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी के वाले से बना हुआ है, ये बाकायदा अप्रूवल उसका हुआ है, बाकायदा टेंडर भी पास हुए हैं, बाकायदा उसको रजिस्टर भी किया गया कल्चरल डिपार्टमेंट के हवाले था। मगर जब ये बिल्डिंग बना मुकम्मल हुआ तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वालों ने इसको कब्ज़े में लेकर इसको कब्ज़ा किया, और वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठा हुआ है, और वहाँ के स्टूडेंट्स को कह रहा है कि भी हम आप लोगों को एक रूम देंगे और रूम में अपने आप को एडजस्ट करो पढ़ो। मगर असल में बात तो ये है
कि ये बिल्डिंग जो था लाइब्रेरी पे बना हुआ था, डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन का बिल्डिंग है उसके वाले से अलग फंड होते हैं, अलग फंड आते हैं, मगर इन लोगों ने उन फंड को काया। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो नौजवानों का था वो तो पहले से पिसा हुआ तबका है, उसी को उन लोगों ने हड़प लिया। जो ये लाइब्रेरी की जो डिपार्टमेंट है वो कल्चर डिपार्टमेंट के माथे तो होता है, तो कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने उनको लेटर भेजा था डीसी को कि भी ये जो बिल्डिंग है ये लाइब्रेरी का है, तो बराए करम इसको लाइब्रेरी में दोबारा चेंज किया जाए। मगर डीसी ने इसको इस काम को, इस कानून को नाफिज नहीं कर सका डीसी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम किसी के अहल नहीं हैं, हम किसी के विंग नहीं हैं। बलूच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो एक आज़ादाना तंजीम है वो किसी भी पार्लियामेंट पार्टी या दूसरी किसी भी पार्टी का विंग नहीं है। दूसरी बात, जो आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, पहले तो कुल्लू के नौजवानों ने अपने तहत खुद आवाज़ उठाया, एहतजाज किया, मगर जब उनकी बात कोई नहीं किसी ने नहीं सुना तो वो हमारे पास आए, हमारे पास आए तो हमने वैसे तंजीम, वैसे तलबा तंजीम इस मसले को तंजीमी तौर पर लिया है। और वैसे भी हमारा एक लाइब्रेरी कैंपेन है बलूचिस्तान में, असल में बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सियासी ही होता है, कोई भी यहाँ पर गैर सियासी नहीं होता। और ये बात जो किसने लाइब्रेरी को कब्ज़ा किया ये किसी फर्द पर भी नहीं जाता कि किसी फर्द ने जाकर लाइब्रेरी को कब्ज़े में लिया और बना दिया, नहीं, ये एक चेन है, ये एक टोला है। ये जो मसला था 2-3 महीने से शुरू हुआ था, लड़कों ने वहाँ पर पहले एहतजाज किया मगर उनकी बात नहीं सुनी गई, फिर उनको कहा गया कि भाई ठीक है, हम इशू भी हुआ था, नोटिफिकेशन इशू हुआ था, तो वहाँ के नौजवान समझे भी अभी अब तो नोटिफिकेशन इशू हो गया है, लाइब्रेरी हमारा होगा। नोटिफिकेशन इशू होने के बाद भी उन लोगों ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, उनके बाद भी उन लोगों ने वहाँ पर प्रोग्राम रखा, उनको फिर अपने माथे ले लिया। हम जो भी आईनी और जमहूरी राय है हम उनको अपनाएंगे, एहतजाज है जो भी। कुल्लू तो एक सिटी है, जो वहाँ का टाउन है ना वो सिटी है, वहाँ से जो भी पेरिफेरी के लोग हैं वो भी आते हैं, सिटी के भी आते हैं, एक ज़िले का या फिर एक शहर का तो नौजवान ज़्यादा होते हैं। और हाँ, अगर लाइब्रेरी बंद रहे तो वैसे भी तलबा नहीं होते।